खसूसी तौर पर मौजूद अफराद को मसनवी अज़ा साजो सामान फराहम करने के लिए महकमा समाजी बहबूद कुलगाम ने एलिमको की तआवुन से यहाँ खसूसी तौर पर मौजूद अफराद के लिए एक रोज़ा तशखीसी कैंप का इनेकाद अमल में लाया। ये मसनवी अमदाद और मसनवी अज़ा अफराद उठाने वालों को इनफरादी ज़रूरत के मुताबिक दस्तियाब कराए जा रहे हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अल्किमर के अहदेदार ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी किए जाएंगे ताकि खसूसी तौर पर मौजूद अफराद को मतलूबा मसनवी आलात और साजो सामान फराहम किया जाए जो इन्हें मामूल की ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार है। पेश इस हवाले से कुलगाम ने उसकी खसूसी रिपोर्ट। नाम अनिल कुमार है, मैं अलिमको के थ्रू से आया हूँ यहाँ पे। जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है यहाँ पे कैंप करवा रही है, जो एडी प्लस आरबीवाई, जो एडी इसलिए आती है कि जो जिनके पास मेडिकल है उनको एडी पी स्कीम में आते हैं। जो आरबीवाई सीनियर सिटीजन के लिए 60 साल से ऊपर के लिए होता है, इनके लिए एडन अप्लायंसेस आते हैं जो इनके नीड के हिसाब से हम देते हैं। किसी को कान की दिक्कत है, सुनने की दिक्कत है, किसी को जैसे वॉकिंग स्टिक की जरूरत है, किसी को व्हील चेयर की जरूरत है, किसी को सीपी चेयर की जरूरत है, तो हमें नीड के हिसाब से पहले उनको देखते हैं कि किस तरह का पेशेंट है, कैसे नहीं है, उनको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हमारे हैं कुलगाम के, वो कैंप ये करवा रहे हैं सर। ये इसलिए कैंप रखा जाता है कि ताकि इनको जो नीड जरूरत है इनको इनके पास पहुंचे सामान्य चीजें। भाई जो एडी इसलिए आती है कि जो जिनके पास मेडिकल है उनको एडी पी स्कीम में आते हैं। जो आरबीआई सीनियर सिटीजन के लिए 60 साल से ऊपर के लिए होता है, इनके लिए एडन अप्लायंसेस आते हैं जो इनके नीड के हिसाब से हम देते हैं। किसी को कान की दिक्कत है, सुनने की दिक्कत है, किसी को जैसे वॉकिंग स्टिक की जरूरत है, किसी को व्हील चेयर की जरूरत है, किसी को सीपी चेयर की जरूरत है, तो हमें नीड के हिसाब से पहले उनको देखते हैं कि किस तरह का पेशेंट है, कैसे नहीं है, उनको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए।